एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली अमेजिंग रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। तो मैंने लिया है यहाँ पर अपनी चना मटर। मैंने कल रात को चना मटर को एक बार पानी से वॉश करके अच्छे से धो लिया था, फिर मैंने इसको 5-6 सीटी लगाकर कुकर में बॉयल कर लिया है और बॉयल होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर सरसों का तेल, आप चाहो तो यहाँ पर अपना रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। सरसों का तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 3 से 4 डालेंगे बीच से काट के यहाँ पे हरी मिर्च। हम यहाँ पर प्याज अदरक लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो मैंने यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं यूज़ किया है। आप अगर खाते हो तो यहाँ पर प्याज वगैरह भी डाल सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। फिर हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ किया हुआ है। 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट है, इससे हमारा जो है वो बहुत मसालेदार बनता है चना फ्राई मटर फ्राई, इसलिए यहाँ पर हम धनिया पाउडर लेंगे। 1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर ये खटाई का पाउडर, अमचूर का पाउडर भी जिसे कहते हैं, हमने वो लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अपना हींग। आप यहाँ पर अपने बेसिक मसालों का ही यूज़ किया करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने बेसिक मसालों का यूज़ ही किया है, कोई चना मसाला नहीं, कोई छोले मसाले हमने नहीं यूज़ किया है, जो हमारे घर में नॉर्मल मसाला होता है हमने वही यूज़ किया है। अब हम इसे बिल्कुल से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए भी, और अच्छे से हमें भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि मसाले हमारे अच्छे से जल ना जाए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला है जिससे मसाले हमारे जले ना, बिल्कुल भी भुने मत, नहीं ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो इसके हम इसे कंटिन्यूसली से चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए जिससे मसाला हमारा अच्छे से भून जाए, और थोड़ी ही देर में जो इसका ऊपर का जितना भी फेन रहेगा वो सारा हट जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये उबले हुए चने और ये मटर। तो सारे उबले हुए चने मटर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे डालने के बाद। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बनाओ, चाहो तो दाल चावल के साथ लंच में बनाओ, खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत सिंपल होती है। कोई एक्स्ट्रा मसाले हम इसमें नहीं यूज़ किए हैं, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं हमने उसी का यूज़ इसमें किया है। और सारा चना मटर डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पे सिर्फ चना का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ काले चने खाने का मन हो तो आप सिर्फ काले चने का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास थोड़ी सी मटर भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मटर भी डाल देते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि मसाले सारे चने में अच्छे से फ्राई हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस देखो अच्छे से हमने चला लिया। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे और हमारा चना अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और आपको वीडियो अच्छी लग जाएगी, मेरी रेसिपी अच्छी लग जाएगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।